हम लोग पढ़ने वाले हैं साइनोजीवाणु की संरचना के बारे में, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, उसका प्राप्ति स्थान कहाँ पे है और कैसा होता है। आज हम लोग संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मैं पहले ही आप लोग को जीवाणु की संरचना पढ़ा चुका हूँ, साइनोबैक्टीरिया भले अभी हम लोग पढ़ने वाले, इससे पहले मैं जीवाणु की संरचना पढ़ाया हूँ, जिसमें का काफी चीज दो तीन पॉइंट तो आपको मिल ही जाएगा। वैसे ही साइनोबैक्टीरिया की भी संरचना होती है, कोई अलग सा नहीं होता, सिंपल था। जैसे मैं बताया था साइनोजीवाणु की बात कर रहा हूँ, साइनो ठीक है, बैक्टीरिया आपने पढ़े थे, आज मिलने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो वैसे ही आज भी साइनोबैक्टीरिया की संरचना भी वही एक हूबहू आपको मिलता हुआ जुलता नजर आएगा, कोई अलग सा नहीं है। हमने जीवाणु की संरचना पढ़े थे, उसमें भी देखे थे कि यही कैप्सूलनुमा संरचना थे, ठीक है, यही कैप्सूलनुमा संरचना के आधार पर आज मैं फिर से आप लोग साइनोबैक्टीरिया की संरचना बना रहा हूँ। थोड़ा सा अलग से जो रहेगा ये भित्तिनुमा जो संरचना है वो आपको दिखाई दे रहा है, बस ये नई चीज आपको करने को मिल रहा है, बस छोटा सा वर्क, ये तो आप सिंपल सा कर ही पाएंगे, ये आपको दिख ही रहा है, ठीक है। चलिए मैं लाइन से आप लोग को बताते जाता हूँ, जैसे जीवाणु के मतलब बताया था और वैसे ही आपको इसके आगे पार्ट भी पढ़ाते जाऊंगा। तो साइनोजीवाणु की संरचना के बारे में हम बात करते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब देखा जाता है, माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो इस प्रकार की जो संरचना जो जिस दिखाई देती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें यह दिखाई देता है श्लेष्मिक आवरण दिखाई देता है, श्लेष्मिक आवरण, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे श्लेष्मिक आवरण दिखाई देती है, जो उस बैक्टीरिया को चारों तरफ से क्या करती है, ये जो घेर के रखी रहती है, चिपचिपा पदार्थ की तरह होता है, और यह लगभग लगभग इसमें पेप्टिक अम्ल की बात कर रहा हूं, और मिला होता है इसमें म्यूको पॉलीसेकेराइड, ये म्यूको पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो उसका श्लेष्मिक आवरण, इस प्रकार से जो आवरण पाया जाता है श्लेष्मिक पदार्थों का बना होता है, चिपचिपे पदार्थों का बना होता है, उसमें क्या क्या मिला होता है, पेप्टिक अम्ल बना रहता है, और उसमें क्या बताया मैंने, म्यूको पॉलीसेकेराइड, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चले दूसरा इसका जो आवरण होता है वो कहलाता है कोशिका भित्ति। मैंने जीवाणु में भी बताया था आपको कि यहाँ पे कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसी प्रकार से आपके साइनोजीवाणु में भी ये सेल वॉल जो होता है वो पाया जाता है। ये जो कोशिका भित्ति है उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है, यह लगभग लगभग चार स्तरों का बना होता है, कितने स्तर का बताया मैं आप लोग को, लगभग लगभग जो ये स्तर होता है वो इस प्रकार से चार स्तर का बना होता है, चार स्तरों में आपको दिखाई देने वाली है। तो इस प्रकार से इसके कोशिका भित्ति का जो स्तर होता है उसको अलग अलग L1 L2 L3 और L4 इस प्रकार से इनको अलग अलग नंबरिंग के आधार पे देखा जा सकता है, बांटा जा सकता है, इस प्रकार इसको नामांकित भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका तीसरा वर्ड आता है कोशिका झिल्ली, ये भी आपको जीवाणु में देखने को मिला था, कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं। चले कोशिका झिल्ली जो होता है बेटा, हम पहले जानते हैं कि जीवाणु में जिस प्रकार या किसी भी सेल्स की बात करें, वो पूरा आपके जो कोशिका होती है, कोशिका के ऊपर पाए जाने वाले ये जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य के ठीक है, यहाँ पे कई सारे जितने भी केंद्रक समेत जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसको एक साथ क्या बोला जाता है, जीवद्रव्य बोला जाता है, और जीवद्रव्य को जो घेर के रखी उसी को बोला जाता है आपका कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली के नाम से इसको जाना जाता है। ये बना होता है लाइपोप्रोटीन का, ये जो होती है वो किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी जो मोटाई जो होती है वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक इसकी मोटाई बनी हुई होती है। चलिए आगे बात करते हैं क्रोमेटोप्लाज्म,
ये रहा क्रोमेटो, क्रोमा का मतलब ये होता है कलर। कहीं भी आपको क्रोमेटो वर्ड दिखे, क्रोमा वर्ड दिखे, तो आपको ध्यान में लगा आना चाहिए कि हम रंगों की बात कर रहे हैं, और जब बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो क्रोमेटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। और क्रोमेटोप्लाज्म तो ये जो होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। मैं बता देता हूं आप लोग को, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक होने के साथ साथ अब भाई सनलाइट का यूज करेगा तो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, जिसके कारण से ही कैसा था ये स्वपोषी था, अपना भोजन स्वयं बनाता था, ठीक है। और इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी ही पाया जाता है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी के नाम से इसमें जाना जाता है। और इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का होता है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है, और जितने भी प्रोकैरियोटिक के अंदर आने वाले हैं वो उसमें राइबोसोम्स का जो प्रकार होता है कितने प्रकार का होता है, 70S टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग सेंट्रोप्लाज्म। चलिए सेंट्रोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। और न्यूक्लियस कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें बंधा हुआ नहीं होता है, वो कैसा होता है, बिखरा हुआ होता है। आप उसको बिखरा हुआ बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक जैसा संरचना आपको बनाने को यहाँ मिले, थैलाइकॉइड संरचना बना सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि मैं जो साइनोबैक्टीरिया के दृश्य आपके लिए बना रहा हूं वो हूबहू हर एक साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम आपको ऐसा दिखाई दे, ये भी जरूरी है, ठीक है। इसलिए आप बना रहे हैं वो सही है, किसी भी दो मत की बात नहीं है, बस ये जो सेफ होता है उसका निश्चित होता है। आपके पास जो सेंट्रोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, ये सेंट्रोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो भी होता है वो डीएनए आरएनए होता है, वो क्या कहलाता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उसके अंदर भरे होते हैं, अनुवांशिक, ठीक है। तो ये रहा आपका सामान्य संरचना किसका, साइटोप्लाज्म का। कठिन तो नहीं लगा होगा आपको, मेरा मानना है, क्योंकि ये जो शेप था वो निश्चित रहेगा। यहाँ पे आपके कोशिका भित्ति 4 स्तर की होगी, उसके बाद जो निचला वाला आवरण होगा, ये निचला वाला जो आवरण होगा वो किसका होगा, आपका कोशिका झिल्ली का होगा। और कोशिका झिल्ली हम उसी को बोलते हैं जो कोशिका द्रव्य जितने भी यहाँ पे अंदर पाए जाने वाले सारे द्रव को समेट के आपस में बांध के रखता है। उसके बाद हमने पढ़े क्रोमेटोप्लाज्म, तो ये जो वर्णक होता है इन्हीं वर्णकों को बोला जाता है क्रोमेटोप्लाज्म, जिसके माध्यम वो सनलाइट को एकत्र करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। रह गई बात सेंट्रोप्लाज्म, तो आप किसी भी सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में उनका केंद्रक आपस में बंधा हुआ रहता नहीं है, तो ये आपस में फैला हुआ दिखाई देता है, ओके।